हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारी देना चाहता हूं कि दोस्तों जो कहते हैं भैया मैं लाइव प्रोग्राम में ढोलक का सेटिंग कैसे करें, तो दोस्तों आप लोग को कुछ नहीं हड़बड़ाना है। आज इस वीडियो में आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। हाई फ्रेंड्स, मैं पवन, फिर से मैं अपना पवन ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं किस तरह ढोलक का सेटिंग करूंगा आप लोगों को पूरा सेटअप के सिस्टम से मैं बताऊंगा। मिक्सर में किस तरह आपको वॉल्यूम रखना है, किस तरफ बेस का मेक बनाना है, किस तरफ टोन का मेक कैसे बनाना है, आप लोग मैं पूरा जानकारी मैं बताऊंगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, तो मैं बताता हूँ, मिक्सर के थ्रू मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों को वॉल्यूम रखना है, आपको किस तरह से मैक का बेस बनाना है, ताकि आपको कोई प्रोग्राम वाले आपका बोले ना कि भैया इसमें बेस नहीं है, इसमें टोन नहीं है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मैं सारा कन्फ्यूजन आपको दूर करूंगा, आप पूरा इस वीडियो को देखिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरे सेटअप पर जा कर के मैं किस तरह से मैक यूज करता हूँ और किस तरह से वॉल्यूम मैं लगाता हूँ कि मेरा प्रोग्राम कभी ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसी तरह यूज कीजिएगा, मेरी गारंटी है आप लोगों का कभी प्रोग्राम कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, बेस्ट टोन एकदम परफेक्ट बनेगा आपका, एकदम एक बारी आपका कलाकार देख लेगा इस सेटअप को तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरह से मिक्सर से सेटिंग करना है, किस तरह से एम्पलीफायर से सेटिंग करना है बेस को और टोन को। चलिए, ढोलक के लिए काफ़ी डीजे वाले भैया परेशान रहते हैं कि भैया ढोलक का अब टोन बेस नहीं बनता है और कौन सा मेक यूज करना चाहिए बेस में और कौन सा टोन में मेक यूज करना चाहिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मिक्सर से पहले लेकर के, इसके बाद मैं एम्पलीफायर में बताऊँगा कि किस तरह से रखना है वॉल्यूम आपको, ताकि कोई तरह की चरचराहट फड़फड़ाहट की दिक्कत नहीं आएगा। चलिए मैं आपको मिक्सर, ये देख सकते हैं, ये जैसे मेरा मिक्सर हो गया, इसमें पहले आपको ये सेटिंग करना है। ये हो गया लेफ्ट, ये जैसे लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, आप लोग ध्यान से देखिए, ये लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अब मैं इसी सीरियल से मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये लेफ़्ट का वॉल्यूम हो गया, राइट का वॉल्यूम हो गया। आपको पहले तो ये कन्फ्यूज दूर करना है कि आप बॉक्स लेफ़्ट में चला रहे हैं कि राइट में चला रहे हैं। अगर आप बॉक्स लेफ़्ट में चला रहे हैं तो आप सीधा आपको यहाँ आ जाना है, ये देख सकते हैं पेन लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मैं 12 नंबर चैनल से मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ये देख सकते हैं आप पेन लिखा हुआ है। अगर आप लेफ़्ट से बॉक्स चला रहे हैं तो दोस्तों आपको इसको लेफ़्ट में रखना है। बेस का मैं मेक का बारे में बताता हूँ, बेस किस तरह बनाते हैं मेक। ढोलक में बेस एक रहता है, एक टोन रहता है, तो ये आपका हो गया बेस वाला, मैं बेस बनाता हूँ। आपको मेन में देना है आपका लीड मेक का और इस वॉल्यूम को है आप दो पे घुमाइए, इसको दो पे रखिए, दो पे रखने बाद बेस आपको दो पे दीजिए और इसको बेस मिड और ट्रेबल को बंद कीजिए, मिड और ट्रेबल बिल्कुल बंद कीजिए, ये बंद हो गया आपका, इसको बिल्कुल नहीं देना और यहाँ से आप पूरा आवाज़ दीजिए और ये यहाँ से है आपको जितना मांग कर रहा है उतना दीजिए, आप बेस इससे ज़्यादा मत दीजिए। और मैं मेक के भी बताऊँगा कौन सा मेक यूज करना चाहिए बेस में, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, इसको आप दो पॉइंट पर रखिएगा, बेस को तीन पॉइंट और दो पॉइंट रखिएगा, ये बेहतर है, बहुत बेस बन जाएगा। और मिड को बंद रखिए, ट्रेबल को बंद रखिए, और ये अगर लेफ़्ट में लगाए हुए हैं बॉक्स वाले तो इसमें लेफ़्ट में रखिए, अगर राइट में लगाइएगा बॉक्स वाला तो इस साइड घुमा दीजिए, ये आपको बॉक्स में हो जाएगा, बीच में मत रखिएगा, बीच में रखने के बाद आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इसको फुल रखिएगा, आपको ये इको इफेक्ट नहीं देना है। तो ये हो गया आपका बेस का कनेक्शन, अब मैं मिड का बताता हूँ। ये दोस्तों इसको मैं सारा मैं बंद कर लिया हूँ, देख सकते हैं। अब मैं अगर मिड देना चाहते हैं ट्रेबल, जिसे टोन होता है जैसे, तो इसको मेन में लगा देना है। ट्रेबल देने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा वॉल्यूम हाफ, बेस को बिल्कुल बंद रखना है, मिड को आप हाफ पे रखिए, ट्रेबल को 6 पॉइंट के दीजिए और इसको बीच में कर लीजिए, पेनों को बीच में कीजिए और इको जरा सा भी मत दीजिए और इसको फुल कीजिए और इसको हाफ रहने दीजिए। दोस्तों इतना बेहतरीन आपको आवाज़ आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा सेटअप कभी कोई ख़राब कह सकता है, इतना बेहतरीन आएगा आवाज़। और इसको आप
बॉक्स को लेफ्ट में लगा दीजिए, राइट में लगा दीजिए, इसको बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा जो आप पेड जो बजाते हैं, कोई गायक आदमी सब पेड भी लेकर आता है तो उसको भी पेड के बारे में भी बताऊंगा किस तरह से उसका कनेक्शन करना है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो इस तरह से आपका हो गया ट्रेबल का सिस्टम, जो टोन होता है दोस्तों, इसको हाफ हाफ रखना है, इसको हाफ भी रखना है, इसको 6 पॉइंट रखना है, इसको बीच में रखना है और इसको 0 फुल कर देना। तो इसी तरह से देखिए ये सिस्टम आप कर करके हमको अवश्य कमेंट में बताइएगा कि क्या परफॉर्मेंस मिलता है। और आप मैं मेक के बारे में बताता हूँ कि कौन सा मेक यूज करना चाहिए। तो अगर आप बेस के लिए मेक लगाते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, जाना पहचाना मेक है, आप लोग देख चुका हुआ, ये हो गया बीटा 58, देख सकते हैं ये बीटा 58 का माइक है जो बेस के लिए बहुत बेहतरीन है। जो आप लगा दीजिएगा, कोई भी गायक आपका अगर नहीं खुश होकर गया तो मेरा गारंटी है ये, आप बीटा 58 भी लगा सकते हैं। इसका बदला में 101 अहूजा का माइक्रोफोन आता है, अहूजा का, वो भी लगा दीजिए, लेकिन अहूजा से 101 से बेहतरीन या 58 परफॉर्मेंस देता है बेस के लिए। अगर आप ढोलक में टोन के लिए लगाते हैं तो दोस्तों उसमें अहूजा का 77 आता है माइक्रोफोन, वो मैं अगले वीडियो में बताया हूँ, वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं आपको। और ये टोन के लिए वो बेहतरीन मेक रहता है अहूजा का 77, आप ये यूज कीजिए, आपका अवश्य 100% आपका कामयाबी मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं और बेहतरीन वीडियो ला सकूं और आप लोगों को कुछ जानकारी दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।